भाई मैं तो ये कहूँगा पीयूष कबाल करते हो यार, अरे मुबारक हो, अमर उजाला मुबारक हो। ओके, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि कपिल शर्मा जो है काफ़ी समय से गायब हो चुके हैं इंडस्ट्री से, तो आपके साथ उन्होंने कॉमेडी सर्कस भी किया था, हमने देखा था कि बहुत अच्छे मतलब मुकाम पे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में भी खबरें आ रही है, क्या कहेंगे उस बारे में एज अ उनके फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा? और नहीं, मैं ये कहूँगा कि हम कॉमेडियंस की जो लाइफ होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली होती है। हम हर किसी को खुश नहीं कर पाते हैं कभी, हम किसी को हमसे 1,00,000 लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा उसी मूड में दिखें जिस मूड पे वो टीवी में हमें देखते हैं, लेकिन हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है, हम लोग भी कभी कभी दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, हम 2-4 लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं, उस चक्कर में वो 2-4 लाख लोगों को बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, तो वो मतलब अब लोगों का मानना है, अपनी सोच है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, कभी कभी वो गुस्सा भी होता है, हम भी आम इंसानों की तरह गुस्सा होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, नाराज़ होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन ये कि हमारी चीज़ों को बड़ा बना दिया जाता है। कॉमेडी